वेल, आप लोगों ने रंगों की होली देख ली, डांस की होली देख ली, धमाकेदार सारी होली आपने देख ली है, लेकिन अब बारी है प्यार की होली देखने की। और प्यार की होली आपको और कहाँ मिलेगी? जी हाँ, प्यार तूने क्या किया के सेट पर ही मिलेगी, जहाँ पर सिड और निधि हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर टेली मसाला। थैंक यू, हैप्पी होली। वेल, प्यार की हैप्पी होली, हैप्पी होली। वेल, आज प्यार की होली फैंस देखने वाले हैं, किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? यार, हमारी प्लानिंग ये है कि सीन बॉम्बे, देयर आर लॉट ऑफ पार्टीज हैपनिंग, कभी जूम पार्टी, कभी इधर उधर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ इनविटेशन, सो वी आर प्रोबब्ली थिंकिंग ऑफ लाइक, जैसे बार हॉपिंग होता है, वी आर गोना बी डूइंग होली पार्टी हॉपिंग फ्रॉम हियर टू देयर। वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो डूइंग दिस वन इवेंट, प्रोबब्ली गो देयर। निधि, मैं इधर हूं ही नहीं, आई एम नॉट इन टाउन। कोई बात नहीं है, आज ये लोग होली नहीं खेलते, नकली। मैं होली खेलती हूं, मैं बिजी हूं उस दिन। मतलब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है, मैं ये पूछ। मैं कुछ नहीं, मैं काम कर रही हूँ उस दिन, मैं ऊटी में होंगी एंड आई एम वर्किंग दैट डे। आई एम आई गॉट एन ऐड, या सम आई एम एन ऐड शूट दैट डे। अच्छा, यू कांट टेक मी। वैसे हर बार किस तरह से सेलिब्रेट करते, कितनी स्पेशल होती है आप लोगों के लिए होली? दिस इज वन फेस्टिवल आई लव एंड आई लव कलर्स, और पानी मुझे बहुत पसंद है। ओके, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हिच इज द फेस्टिवल यू डोंट लाइक? दिस इज वन फेस्टिवल यू लव, which are the ones you don't like? No, I like. But I like Holi. I love colors. So what is the problem? Sid, आप कितना enjoy करते हो? I love Holi. Absolutely love but it. But do you like color on your face? ऐसा लगता नहीं, you like it. How about you try celebrating it with me? You will get to know how much I love it. No, I absolutely love the festival. Even when I was studying abroad, like we used to specially go out and play Holi. And actually, in fact, everyone loves Holi. Because there is something to do with it, like there is a physical activity happening, you're dancing around on music, it's like a party. आपने कभी भांग ट्राई किया? नहीं, मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया। ऐसा लगता नहीं है? अच्छा लगता नहीं है? क्या लगता है फिर, आप बता दीजिए। नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया भांग, पता नहीं यार क्या है। और हाँ, कलर्स के साथ हम खूब खेलते हैं, और लड़कों को तो बहुत ही मजा आता है होली पे। बिल्कुल सही कहा, सही बात है। ऐसा क्या है, मतलब कि होली है तो लड़कों को ज्यादा मजा आता है, क्योंकि लड़के ज्यादा केयर नहीं करते ना कि कलर कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं। इट्स मोर फिजिकल। यार ये गंदा दिमाग, मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ। वैसे क्रेजीस्ट होली आप लोगों ने अब तक खेली है, कौन सी है आप लोगों की सबसे क्रेजीस्ट होली, अगर मैं जानना चाहूँ? आई थिंक मेरी तो हर होली बहुत क्रेजी होती है, बट आई थिंक द क्रेजीस्ट वुड बी इन कॉलेज। बहुत ज्यादा थोड़े रफ हो गया था, और कॉलेज में ऐसा होता है ना कि कॉलेज में सारे लड़के लड़कियां साथ में करते हैं होली, तो होली पे बहाना मिल जाता है रंग लगाने का, थोड़ा इंटरेक्ट करने का। सो दो इट वाज नॉट इन इंडिया, बट वहाँ पे होली इवेंट्स होते हैं, तो हम होली इवेंट्स पे पूरा कॉलेज का बैच किया था, तो लड़कों ने तो गंद मचा दी थी। आई हैव नेवर हैड अ क्रेजी होली, आई हैव ऑलवेज हैड सोबर होली। क्या बोरिंग है, मतलब तुम्हें फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट भी है, एंजॉय भी करती हो, और सेलिब्रेट भी नहीं करती? नहीं, सेलिब्रेट करती ना आपने। शी वांट्स अ क्रेजी होली, शी शुड सेलिब्रेट विद अस। आई वांट अ क्रेजी होली, लाइक यू नो, गो ऑल मैड एंड ऑल, आई सीन पीपल गोइंग क्रेजी, बट उसके लिए कंपनी भी ऐसी चाहिए होती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपको अपनी होली सिड के साथ में सेलिब्रेट करनी चाहिए। एग्जैक्टली, थोड़ा क्रेजी हो जाएगा यार, आ जाओ। पास दैट। वैसे कीचड़ से होली खेली जाती है, और रंगों से हमने, मैंने तो दाल में भी होली खेली हुई है। दाल मेरे प्रीवियस शो में हमने दाल से होली खेली है। दाल खाने वाली दाल, तड़के वाली दाल, येलो कलर दाल। या ओ माय गॉड, हां दाल खा। नहीं, हम लोगों ने काफी कुछ खेला है। हम लोग जब होम टाउन में, तो हम लोगों ने सिल्वर पेंट होता था वो लगाते थे कि निकलता ही नहीं था, ग्रीस व्रीस भी यूज करते थे कुछ लड़के। हम लोग बड़े लशेड़ से थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसा नहीं रहा अभी, ऑब्वियसली ऐसा भी प्रोफेशन आ गया कि अगर आपको शूट करना हो तो यू कांट हैव कलर ऑल ओवर योर बॉडी। सो या सेफ होली अब तो बहुत ज्यादा। जैसा कि हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं प्यार वाली होली बिना रंग लगाए हुए। सीन है आप लोगों का। वेल, वैसे सिड, आप बहुत स्टाइलिश लगते हैं, आप होली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं,
कभी ऐसा हुआ है कि आप होली सेलिब्रेट करने गए हो वहाँ पे ढेर सारी लड़कियां, और हर बार ये होता ही है कि लड़के जो वरना तो हम जाएंगे ही नहीं लड़कों में थोड़ी खेलना है। हाँ, तो आपने कभी ऐसा किया है कि अनजान लड़की को जाके कलर लगा दिया और वो पलट के एकदम अजीब सा रिएक्शन? एवरी टाइम, ये तो बहाना है ना यार, मतलब होली खेल रहे हो, इट्स अ वे, अरे क्या हो गया, हंस क्यों रही हो? एवरी टाइम, मतलब इट्स अ फेस्टिवल जहाँ पे आप अनजानों से मिलो, यू इंटरैक्ट विद डिफरेंट पीपल, यू इंडल्ज विद डिफरेंट पीपल, यू प्ले, एंड ये एक तरीके से मतलब एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल का क्या मतलब है? सब साथ में आके खुशियाँ बांटे, तो हम थोड़ी खुशियाँ बांटते हैं। नीति, आपके साथ में कभी किसी ने ऐसे खेली है? बुरा ना मानो, होली है। नहीं नहीं, मेरे को किसी ने मारा नहीं। थोड़ा सा लगा ही देते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लगा देते हैं, आई थिंक। बिना कलर के तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है। वैसे यहाँ पर काफी चार कलर है हमारे पास में होली के, प्यारे प्यारे रंग है। अगर एक दूसरे को किसी कलर से रिलेट करना हो तो किस कौन से रंग से एक दूसरे को रिलेट करेंगे? और अच्छा, क्यों? मैं इसको रिलेट करूं। हाँ, रेड क्यों? दैट इज गुलाबो। गुलाबो, गुलाबो। खैर वैसे मैंने गुलाबो के हिसाब से नहीं, मैंने रेड बोला। She being a girl and second she's always very grumpy. She gets very angry all the time. और आज तो इसे cold है बेचारी को। क्योंकि आज वो टली मसाला के साथ। She's hitting me today. अरे I want, I have cold, okay? Yeah, I'm saying obviously. Yeah, so what does my cold have to? Nothing. You know what is the relation? You were just mentioning it again and again. I don't know what the cold had to do with the scene. So I also thought I'll mention it again. अरे but what is the relation? कुछ बोला ही नहीं। अरे रिलेशन बोला ना, क्या, लाल कलर गुस्सा, एंड यू आर ऑलवेज गुस्सा। पिंक, पिंक, यस, गुलाबो, यस। अच्छा हाँ, सो पिंक बिकॉज आई वुड से वेरी, आई वाज गोइंग टू से येलो फॉर फ्रेंडशिप बट फॉरगेट। पिंक क्या बोलो, कुछ क्रिएटिव बोलो। पिंक बोल रही हूँ ना मैं। टांग खींचो। नहीं नहीं, मेकअप दादा कोई असिस्टेंट नहीं आपके पास? अरे तो जो मेकअप दादा उनके पास चले जाते तो टिक ही जाते। सो पिंक इज लिटिल, ऐसा कुछ नहीं यार, कहाँ मेकअप है, ये देखो। वैसे यहाँ पर हमारे पास में दो पिचकारी आप लोगों के लिए, और यहाँ पर रंगों वाला पानी भी है हमारे पास, ये छोटा पिचकारी। हाँ, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन करते हैं, दोनों को ये पिचकारी देते हैं हाथ में और देखते हैं कौन कितने दूर तक निशाना लगाता है। सिड रेडी हो जाओ। और यहाँ पर एक ये शर्त है कि जो हारेगा, जीतने वाला उसे जो भी करने के लिए कहेगा वो करेगा। नहीं, मेरे ख्याल से नीति का थोड़ा सा पीछे रह गया था। नहीं नहीं, मेरा गया आगे, आपने देखा ही नहीं है नीति। चलो नीति, अब तुम क्या करने वाली हो लड़की? तुम क्या करवाने वाले हो सेठ नीति से, बताओ यार। मैं तो, चलो छोड़ो, होली है, बुरा ना मारो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। वर्कआउट करती हो तुम? तो वर्कआउट करो। नो 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 नो, अरे एक पुशअप तो, एक पुशअप तो बनता है इसमें, इसमें, और वो भी यहाँ गार्डन में। चलो डू इट विद मी, चलो। मेरे ख्याल से नीति को ऐसे वर्कआउट करते हुए इंडियन अटायर में शायद पहली बार लोगों ने देखा। सो कूल मैन, वेल, मेरे ख्याल से ये सबसे क्रेजीस्ट होली होगी जो आप कभी भूलने वाली नहीं है। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हर लड़के और लड़की को ये टेंशन होती है होली पर कि अपने आप को सबसे ज्यादा स्टाइलिश कैसे रखा जाए, और आप लोग स्टाइलिश हैं तो वो बता दीजिए कि किस तरह से एक दूसरे पर इंप्रेशन अगर किसी को जमाना हो तो अपने आप को किस तरह से कैरी करें वो स्टाइलिश। इफ आई वाज प्लेइंग होली आई वुड वेयर वाइट सलवार एंड कुर्ता आई थिंक तो सबसे पहले नारियल तेल निकालो, पूरी बॉडी पे लगाओ। क्या आप नारियल तेल अपने बालों में लगाने वाले हैं होली के दिन? बिल्कुल लगाने वाले हैं। और नारियल तेल लगाओ बिकॉज एक दिन के लिए स्टाइलिश, फिर अगले दिन अगर कलर रह गया तो फिर स्टाइल तो गई। सो पहले नारियल तेल और उसके बाद व्हाइट वेयर समथिंग, और थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप, बॉडी शो, बॉडी शॉट ही दिखे जैसे पानी गिरे। Well, I mean whatever you're comfortable in. इसको देखो। Well, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को इस होली पर?
कि have a happy होली and safe होली and use organic colors and don't waste too much water, okay? Well, I would also like to wish everyone a very very happy होली. Celebrate it and play safe and ज़्यादा बदतमीजी मत करो but थोड़ी बहुत मज़े मार लो चलो. Well, मेरे ख्याल से ये टिप्स आप लोगों के बहुत काम आने वाली है एंड आई होप कि आप लोगों ने नीति और सिद्ध के साथ में ये होली बहुत इंजॉय की होगी. तो फटाफट अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको ये होली कैसे लगी. कैमरामैन दीपक के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला.